नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आगामी 12 जुलाई को पटना आएंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम को लेकर होगा। हालांकि अब तक उनके कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं आई है। इसराइल को येर लापिड के रूप में अपना 14वां प्रधानमंत्री मिल गया है। हालांकि इसराइल के राजनीतिक संकट आने के बाद संकट मोचक बने लापिड का कार्यकाल छोटा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने 1 नवंबर को होने वाले इसराइल के चुनाव से पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री की कमान संभाली है। अमेरिका का एक ट्रक ड्राइवर जिसने मिशिगन में एक स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकट खरीदा था, उसे अपनी किस्मत और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब वो करोड़पति बन गया। हालांकि उसे सिर्फ एक मामूली पुरस्कार की उम्मीद थी। इलिनोइस के 48 वर्षीय व्यक्ति ने अपना टिकट नंबर देखा और उससे अपनी लॉटरी का दावा करने के लिए एक मैसेज मिला। भाजपा से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। पिछले कई दिनों से देश भर में कोरोना मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड 19 के 17,070 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 23 मरीजों की जान गंवाने से मृतकों की कुल संख्या 5,25,139 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,07,189 पर पहुंच गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.25% है, जबकि कोविड 19 से रिकवरी रेट 98.55% है। देश में आज यानी कि शुक्रवार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें थर्मोकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, मिठाई के बक्सों पर लपेटी जाने वाले फिल्म निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट के फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़े और आइसक्रीम पर लगने वाले स्टिक, क्रीम, कैंडी स्टिक और 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में 5वें जीएसटी दिवस के समारोह का उद्घाटन करते देखी गई। समारोह की अध्यक्षता वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव, सीबीआईसी अध्यक्ष और जीएसटी परिषद के सदस्य भी करते देखे गए। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ईडी ने पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में राउत को पूछताछ के लिए तलब किया था। संजय राउत ने ईडी के सामने पेश होने की जानकारी ट्वीट करके दी थी। असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। ये केस कामरूप के सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया गया है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत बिस्व सरमा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम क्षेत्र को भरोसा दिलाया है कि सरकार छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहन देने के लिए जरूरी नीतिगत बदलाव करने के लिए तैयार है। सिर्फ 2 लाख रुपए में शुरू करें और ये बिजनेस 12 लाख रुपए तक कमाई देगा। इसके तहत ही एमएसएमई का प्रदर्शन सुधारेगी सरकार, ये नारा दिया गया और 6,000 करोड़ की आरएएमपी योजना लॉन्च। इससे पहले पीएम मोदी ने एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार के लिए 6,000 करोड़ रुपए की योजना रेंजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस की शुरुआत की थी। दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में 21 अप्रैल से 29 जून तक 50,000 से अधिक लोगों ने दौरा किया। अप्रैल में उद्घाटन के बाद से भारत के प्रधानमंत्रियों को समर्पित संग्रहालय का 50,000 से अधिक लोग दौरा कर चुके हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सेवाएं देने वाली कंपनी जोमैटो के लिए ब्लिंक्ड किट से हाथ मिलाना फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ है। बीते शुक्रवार को डील पर मुहर लगने के बाद से इसके शेयरों में गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी की परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। रेलवे ने परीक्षा की तारीख का नोटिस सभी आरआरबी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ग्रुप डी की परीक्षा अब जुलाई के अंतिम सप्ताह के बजाय 17 अगस्त से शुरू होगी। जून महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,44,616 करोड़ रुपए रहा है। अप्रैल 2022 में 1,67,540 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन रहा था। उसके बाद जून का ये जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा दूसरा सबसे अधिक रहा। बीते वर्ष 2021 के जून महीने के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 56% का उछाल दिखा है। कुल कलेक्शन में सीजीएसटी 25,306 करोड़ रुपए रहा तो एसजीएसटी 32,406 करोड़ रुपए रहा। आईजीएसटी कलेक्शन 75,887 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 40,102 करोड़ रुपए आयातित सामानों से आया है। सेस कलेक्शन 11,018 करोड़ रुपए का रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ से वृहद ऋण मेले के तहत 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण और 2022-23 की 2.35 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना की शुरुआत की। 1 जुलाई के कारोबारी सत्र में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। 12 बजे के आसपास ओएनजीसी के शेयर 17.65 रुपए यानी 11.65% टूटकर 133.90 रुपए पर नजर आ रहे थे।
महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के बदलते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की मुश्किलें बढ़ गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा। ये नोटिस 2004, 2009, 2014 और 2020 में दायर चुनावी हलफनामे के संबंध में भेजा गया। गुरुवार 30 जून को आयकर विभाग से मिले नोटिस की खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर अर्थव्यवस्था में सनदी लेखाकारों की भूमिका की सराहना की है। साथ ही उम्मीद जताई है कि वो अर्थव्यवस्था के विकास और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे। देश के मौजूदा सांसदों के साथ साथ पूर्व सांसदों ने बीते 5 सालों में मुफ्त रेल सेवा को भरपूर लाभ उठाया है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार देश के सांसदों ने पिछले 5 साल में 62 करोड़ रुपए की मुफ्त यात्राएं की। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने पब्लिक सेक्टर बैंकों में क्लर्क की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी कि 1 जुलाई 2022 से शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर 21 जुलाई तक आवेदन दर्ज कर सकते हैं। देश के दूसरे सबसे अमीर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी अब फूड एंड बेवरेज रिटेल में तहलका मचाने की तैयारी में। इसके लिए RIL की सब्सिडरी रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने फ्रेश फूड और ऑर्गेनिक कॉफी चेन का संचालन करने वाली फ्रेट ए मोजेरर के साथ एक समझौता किया है। राज्य शासन के शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालयों और भवनों में अब छत्तीसगढ़ मतहारी की तस्वीर भी नजर आएगी। हमारे प्रशासन विभाग ने कुछ इस तरह का निर्देश जारी किया है। शासन के निर्देश की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर तत्काल प्रभाव से अमल करने को कहा गया है। मानव रहित एयरक्राफ्ट को विकसित करने में बड़ी सफलता मिलने के बाद पहली उड़ान का परीक्षण शुक्रवार को कर्नाटक के चित्रदुर्गा में हुआ। DRDO के अंतर्गत बेंगलुरु स्थित रिसर्च लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने इसकी डिजाइनिंग की है और इसे बनाया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व विचारधारा और आनंद ढीके की शिक्षाओं की जीत बताते हुए कहा है कि अगर वो मातोश्री जाते हैं तो लोगों को पता चल जाएगा। सरकारी नौकरी का मौका तलाश रहे उम्मीदवारों के पास अच्छा मौका है। कोल इंडिया लिमिटेड ने 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार को बता दें कि कोल इंडिया ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 1050 खाली पदों पर भर्तियां निकाली है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कल जो हुआ उसके बारे में मैंने अमित शाह से पहले ही कहा था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री 2.5 साल यानी कि शिवसेना भाजपा गठबंधन के दौरान होना चाहिए। गुजरात के गांधीनगर में वरदायिनी माता मंदिर ट्रस्ट में कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जब रथ यात्रा निकाली जाती थी तो लोगों को दंगों का डर रहता था। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में होमवेयर प्रोडक्ट्स का एक बिजनेस शुरू किया। उन्होंने सोना होम नाम का वेंचर लॉन्च किया है जो होमवेयर प्रोडक्ट बेचेगा। इसकी घोषणा उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से इंस्टाग्राम पर की है। यूजर ने जब उनकी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर सामान देखना शुरू किया तो कीमत देखकर दंग रह गए, जिसके बाद कीमतों को लेकर यूजर ने प्रियंका की खिंचाई करना शुरू कर दिया है। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए साल 2022 वैसे तो अब तक कुछ खास नहीं रहा। घरेलू इक्विटी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव नजर आया, बावजूद 4 पेनी स्टॉक ऐसे रहे जो कि गिरते बाजार में भी 20 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। बाजार पर नजर रखने वालों के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भू राजनीतिक संकट और इस कारण कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी, विदेशी निवेशकों द्वारा भारी निकासी और ग्लोबल केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि देखी गई। लंबे समय से बीमार चल रहे मैथ्यू क्रॉफोर्ड को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। 37 साल के मैथ्यू ब्रिटेन के सबसे मोटे शख्स के तौर पर चर्चित थे। मौत के समय उनका वजन करीब 350 किलो तक पहुंच गया था। उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया तो इलाज के लिए परिजन अस्पताल ले गए, जहां स्थिति ये थी कि काफी ज्यादा मोटा होने के कारण वो वार्ड में भी नहीं घुस पा रहे थे। देश और राज्य में किसानों की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। किसानों के लिए चलाई जा रही इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसी तरह एक योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसके तहत किसानों को कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं, जिसके पूरे देश में किसान लाभ उठा रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सुरेंद्र पंडित, सिविल मोटिवेशन गुरु रघुनाथ प्रसाद, सुमन सौरभ यादव, ललन लाल, नुनू कुमार, रविकांत कुमार, जितेंद्र ठाकुर, आलोक कुमार आर्यवत, विजय लक्ष्मी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम का अब तक का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन रहा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।